अभी आपको बताएं, वफाकी वजीर असद उमर की जेरे सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास हुआ। रमजानुल मुबारक के लिए तय कवायद पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। छोटी और दरमियानी सनतों के लिए पैकेज पर भी गौर किया गया। सुबह से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास हुआ। माह सयाम के दूसरे इजलास में वफाकी वजीर दाखिला मौके खसूसी बराए सेहत और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में रमजान गाइडलाइंस, एसएमई पैकेज और सेहत की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में कोरोना वायरस के हवाले से मुल्क में बदलती सूरत हाल समेत रमजान के हवाले से गाइडलाइंस पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि देहातों में शहरियों की जानिब से गाइडलाइंस पर अमल करना हौसला अफजा है, जबकि जिलाई और यूनियन काउंसिल सतह पर सियासी क़यादत का लोगों को आगाही देने में अहम किरदार है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, सूबों को माह सयाम में शहरियों की जानिब से रमजान गाइडलाइंस पर अमल दरामद के हवाले से फीडबैक का कहा जाए। इजलास में वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा, देही इलाकों में आबादी को मुसलसल आगाही देने की जरूरत है। जिलाई और यूनियन काउंसिल की सियासी क़यादत आवाम को आगाही में किरदार अदा कर सकती है।